दोस्तों आपको हमारी ऐप विष्णु इकोनॉमिक्स स्कूल पर इकोनॉमिक्स से रिलेटेड 250 कोर्सेज मिलेंगे जो कि डिफरेंट यूनिवर्सिटी के इकोनॉमिक्स ऑनर्स और एम इकोनॉमिक्स के कोर्स सिलेबस के अकॉर्डिंग है। इसके अलावा यूजीसी नेट का सिलेबस हम आप बच्चों को प्रोवाइड कराते हैं, यूपीएससी इकोनॉमिक्स ऑप्शनल का, इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज के। इसके अलावा डिफरेंट स्टेट बोर्ड में पीजीडी इकोनॉमिक्स की जो वैकेंसी निकलती है उनके भी हम सिलेबस प्रोवाइड कराते हैं। तो ये सारे के सारे कोर्स आपको हमारी ऐप विष्णु इकोनॉमिक्स स्कूल में मिलेंगे। हेलो दोस्तों एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है नेशनल इनकम का, जो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको समझाने वाला हूं। उसका नाम है ग्रीन जीडीपी या ग्रीन नेशनल इनकम भी कई बार बोलते हैं इसको। तो देखिए, ये एक नई विचारधारा है जो अभी अभी जन्म लिया है और इसके बारे में मैं आपको डिटेल में समझाऊँगा। देखिए, मैं आपको एक बिल्कुल सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ कि जीडीपी क्या होती है। मैं आपको बिल्कुल सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ जीडीपी क्या होती है। जीडीपी का मतलब होता है मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज। मार्केट वैल्यू किसकी? ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज। लेकिन क्वेश्चन ये है कि आखिरकार इन गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करने के लिए हमने क्या खोया। तो जो डेप्रिसिएशन होता है वो हम ऑलरेडी माइनस कर देते हैं जिससे कि नेट वैल्यू पता चल जाए हमारे को। लेकिन डेप्रिसिएशन के अलावा हमने और भी बहुत कुछ खोया होता है। जैसे मान लीजिए कि हमने क्या किया, अपने जो प्राकृतिक संसाधन हैं, जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, उनका यूज़ किया। अब वो लौट के वापस तो आने वाले ही नहीं है। या मान लीजिए हमने क्या किया, जो बायोडाइवर्सिटी है उसको ख़राब करने की कोशिश की, या हमने पर्यावरण को नुकसान कर दिया। अब इन सभी कारणों से जो जीडीपी का लेवल है वो बढ़ेगा। ओवरऑल तो जीडीपी बढ़ रही है, लेकिन क्या ये वास्तव में जीडीपी बढ़ना है? मान लीजिए आपने क्या किया, बहुत सारी जीडीपी बढ़ाई लेकिन सारा का सारा पॉल्यूशन फैला दिया, कोयला जला जला के ख़त्म कर दिया। तो ये एक नया कंसेप्ट है। बेसिकली इसमें हम क्या करते हैं कि जो जीडीपी की वैल्यू है उसमें से जो लॉस हुआ है, हमारा लॉस हुआ है किसको, जो 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 प्रकृति को लॉस हुआ है, जो हमारे इन्वायरमेंट को लॉस हुआ है, उसको लेस कर देते हैं और जो वैल्यू आती है बच्चों उसको बोलते हैं ग्रीन जीडीपी। ग्रीन जीडीपी यानी कि ग्रीन जीडीपी क्या है, आपको एक बार मैं आपको यहां पे दिखा देता हूं। देखिए, ग्रीन जीडीपी का मतलब हुआ कि जो लॉस हुआ है, जो डैमेज हुआ है, ये देखिए यहां पे हमने फॉर्मूला भी लिखा हुआ है कि ग्रीन जीडीपी का क्या मतलब है। यहां पे देखिए कि नेचुरल कैपिटल के बीच में जो लॉस हुआ है नेचुरल कैपिटल का, उसकी वैल्यू को जब माइनस कर देंगे जीडीपी में से, तो जो बचेगा उसे कहेंगे ग्रीन जीडीपी। यानी कि जो लॉस हुआ है, किसका लॉस हुआ है? कैपिटल का। कौन सी कैपिटल का? नेचुरल कैपिटल का। यानी कि पेड़ का, पौधों का, प्रकृति का, गैस का, ये जो हमारे आसपास में है ये सब नेचुरल कैपिटल है। हमने क्या किया, मेन नेट कैपिटल की वैल्यू को तो लेस कर दिया डेप्रिसिएशन के रूप में, लेकिन एक्सैक्ट वैल्यू निकालने के लिए हमें नेचुरल कैपिटल का जो लॉस हुआ है वो भी माइनस करना पड़ेगा। तो बच्चों इस कंसेप्ट को बोलते हैं ग्रीन जीडीपी। ग्रीन जीडीपी का जो कंसेप्ट है वो बहुत ही नया है। 1972 में विलियम्स नेडहोस और जेम्स स्टॉबिन ने इसको इंट्रोड्यूस किया था और उन्होंने जो इंडेक्स रखा था उसको बोलते थे मेजर्स ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर, MEW के नाम से रखा। हालांकि बाद में इसमें काफ़ी सारे करेक्शन आए और बेसिकली जब उनका इंडेक्स था उसमें वो क्या करते थे, जो खाली समय रहने की मार्केट वैल्यू है वो, और जो इन्वायरमेंटल डैमेज हुआ है उसकी मार्केट वैल्यू, और अनपेड वर्क की मार्केट वैल्यू, इन तीनों की वैल्यू को माइनस कर देते थे जीडीपी में। यानी कि देखिए, जब आप काम करते हो तो काम करने की एक मार्केट वैल्यू होती है, लेकिन जब आप रेस्ट करते हो उसकी भी तो कीमती है, लेकिन जब आपने रेस्ट को सेक्रीफाइस किया उसकी मार्केट वैल्यू निकाली गई। इस तरीके से उन्होंने जीडीपी कैलकुलेट किया। लेकिन अगर हम बात करें न्यू टर्म में, तो न्यू टर्म में हम क्या करते हैं कि सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जो हमारा इन्वायरमेंटल डैमेज हुआ है उसकी मोनेटाइज करते हैं, यानी कि उसकी मार्केट वैल्यू निकालते हैं। अब देखिए, पेड़ हो, पौधे हो, प्रकृति हो, ये सब मुफ्त तो नहीं है। इनकी मार्केट वैल्यू निकालने का तरीका इकोनॉमिक्स में है। इकोनॉमिक्स में जो तरीका इनकी मार्केट वैल्यू निकालता है वो हम पढ़ते हैं इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक्स में, जिसमें ट्रैवलिंग कॉस्ट मेथड है और भी कई सारे मेथड है, वो सब हम पढ़ाएंगे बच्चों आने वाले वक्त में। काफ़ी सारे पढ़ाए भी हुए हैं हमने। लेकिन कहने का मतलब ये है कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, जीडीपी कैलकुलेट करेंगे। उसके बाद हमने जो पर्यावरण की बैंड बजाई है उसकी कितनी कीमत है, मॉनेटरी वैल्यू क्या है, वो निकालेंगे और फिर दोनों का जो डिफरेंस निकलेगा वो नेट जीडीपी कहलाएगा। ये आपको समझ में आना चाहिए। एक तरीके से जो रिसोर्सेज हमने ख़राब किए हैं या इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन किया है उसकी मार्केट वैल्यू, उसकी वैल्यू को जीडीपी, जो ट्रेडिशनल जीडीपी हम निकालते हैं, उसमें से घटा देंगे। यानी कि ग्रीन जीडीपी डिफाइंड एज द डोमेस्टिक इनकम विच वुड हेल्प टू अचीव अ सस्टेनेबल यूज़ ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। यानी कि इसकी वजह से सस्टेनेबल यूज़ ऑफ नेचुरल रिसोर्स हो पाएगा। मान लीजिए अगर आपने 100 रुपये का प्रोडक्शन करने के लिए 200 रुपये के पर्यावरण को नुकसान पहुँचाया तो ऐसा प्रोडक्शन नहीं चाहिए, ऐसा आउटपुट नहीं चाहिए। यानी कि अगर हम ग्रीन जीडीपी के कंसेप्ट से जाएंगे तो इस बात को भी कंसिडर करेंगे कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि कोई ऐसा आउटपुट है जो हमें लॉस पहुंचा रहा है। तो बच्चों ये सारे के सारे कंसेप्ट है जो मैंने आपको समझा दिए। बेसिकली फार्मूला आप याद रखिएगा, ग्रीन जीडीपी किस तरीके से निकालते हैं, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो अगर आपको ये वाले पीडीएफ या और भी कई सारी पीडीएफ हैं वो आपको चाहिए तो हमारी एप्लीकेशन में किस तरीके से मिलेंगी उसके लिए हमने आगे वीडियो बनाई हुई है। तो अगर आप वीडियो की में दी हुई पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारी एप्लीकेशन विष्णु इकोनॉमिक्स स्कूल डाउनलोड कर लें। जब आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर लोगे तो एज ए स्टूडेंट आपको रजिस्टर्ड होना है। उसके बाद आपको 3 डॉट दिख रही होंगी, इनको जब आप क्लिक करोगे तो आपको स्टडी मटेरियल का एक ऑप्शन दिखेगा। यहाँ पर आपको सारे के सारे नोट्स अवेलेबल हैं, आप चाहें तो इनको डाउनलोड कर सकते हैं।